नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है आज़ाद हिंद बैंक। दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए नए जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और इतिहास से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो आपको सुचारू रूप से मिलते रहें। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो युद्ध शुरू किया था उसके लिए उन्हें देश विदेश के लोगों द्वारा बहुत मदद प्राप्त हुई। लोगों ने अपने जेवर जमा पूंजी चंदे के रूप में उन्हें सौंप दी। इन पैसों को संभालने के लिए अप्रैल 1943 में एक बैंक भी बनाया गया जिसका नाम आज़ाद हिंद बैंक था। आज़ादी के लिए यदि फंड की ज़रूरत थी तो उसे सुचारू रखने के लिए बैंक की भी ज़रूरत थी। आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना रंगून में हुई थी जो तत्कालीन बर्मा की राजधानी भी थी। बर्मा का ही आधुनिक नाम म्यांमार है। 1944 के शुरुआती महीनों में नेताजी आज़ाद हिंद फौज को बर्मा ले आए थे। बाद में बर्मा जापान और अंग्रेज़ों के बीच जंग का बड़ा मोर्चा बन गया था। नेताजी ने संप्रभु होकर आज़ाद हिंद बैंक के जरिए अपनी करेंसी जारी की। आज़ाद हिंद के मददगार 10 देशों ने इस करेंसी को अपनी मान्यता प्रदान की थी। वे देश थे बर्मा, जापान, क्रोशिया, जर्मनी, नानकिन, मंचुको, इटली, थाईलैंड, फिलीपींस व आयरलैंड। बैंक की तरफ से 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1,00,000 रुपए तक के नोट जारी किए गए। 1,00,000 रुपए की मुद्रा पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी हुई थी। अब तक आज़ाद हिंद बैंक की तरफ से जारी किए गए 5,000 के ही नोट की जानकारी सार्वजनिक थी। 5,000 का एक नोट BHU के भारत कला भवन में सुरक्षित रखा हुआ है। आज़ाद हिंद बैंक की ओर से जारी करेंसी की प्रतिकृतियां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में बैंक रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के करेंसी डिस्प्ले बोर्ड पर हम इन्हें देख सकते हैं। आज़ाद हिंद बैंक की करेंसी जापान और जर्मनी देश की सहायता से आज़ाद हिंद सरकार के क्रियान्वयन के लिए छापी जाती थी। जर्मनी ने आज़ाद हिंद फौज के लिए कई डाक टिकट जारी किए थे जिन्हें आज़ाद डाक टिकट कहा जाता है। इन डाक टिकटों को वेर्नर और मारिया वॉन एक्स्टर ने डिज़ाइन किया था। ये टिकट आज भारतीय डाक के स्वतंत्रता संग्राम डाक टिकटों में शामिल है। आज़ाद हिंद बैंक ने कई नोट जारी किए जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 1,000 रुपये और 5,000 रुपये। इस बैंक की सबसे बड़ी करेंसी 1,00,000 रुपये का नोट था। ये नोट 1947 तक चले लेकिन आज़ादी के बाद इन नोटों को भारत में कोई मान्यता नहीं दी गई। 2017 में जब नेताजी से जुड़े कई अहम दस्तावेज जिनको नेताजी पेपर्स कहा जाता है सार्वजनिक हुए तो लगा कि सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन 100 फाइलों के खुलने पर भी ऐसा नहीं हो सका। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पृथ्वीदास गुप्ता नाम के एक शख्स ने 20 मई 2017 को दाखिल की थी। उन्होंने वित्त मंत्रालय और RBI से सवाल किया था कि भारतीय नोटों पर नेताजी की फोटो क्यों नहीं छापी जाती। इसका जवाब न मिलने पर ही दास गुप्ता उच्च न्यायालय पहुंचे थे। RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के मुताबिक इंडिया में सिर्फ RBI को ही हर अंकित मूल्य के बैंक नोट जारी करने का अधिकार है। 2010 में रिजर्व बैंक के एक पैनल ने कहा था कि महात्मा गांधी के अलावा और कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिसकी तस्वीर भारतीय मुद्रा पर छापी जाए और जो भारत के मूल्यों को संपूर्ण रूप में जाहिर कर सके। RBI को ब्रिटेन ने 1934 में शुरू किया था और इसमें कामकाज
अप्रैल 1935 से शुरू हो गया था। जनवरी 1938 में आरबीआई ने अपना पहला करेंसी नोट जारी किया। 1937 में बर्मा इंडियन यूनियन से अलग हो गया था और बर्मा पर जापानियों का कब्जा हो गया था। आरबीआई तब भी बर्मा में अपनी सेवाएं दे रहा था। अप्रैल 1947 तक आरबीआई बर्मा का सेंट्रल बैंक बना रहा। उस दौरान भी उसने आज़ाद हिंद बैंक की करेंसी को वैध करेंसी की तरह मान्यता प्रदान की हुई थी, क्योंकि आज़ाद हिंद बैंक को बर्मा की तरफ से पूर्ण समर्थन एवं मान्यता प्राप्त थी। अतः हम यह कह सकते हैं कि 1947 तक चलन में रहने वाली आज़ाद हिंद बैंक की मुद्रा भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सहसा चलन से बाहर कर दी गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नए नए इतिहास की घटनाओं और नए तथ्यों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल तथागत IAS Academy से आप जुड़े रहें। तो फिर से मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।